सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो यहाँ पे गैस हैंडलिंग होने वाला है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गैस हैंडलिंग के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मैंने ऑलरेडी बाकी सारे पॉइंट्स है उसके ऊपर काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्मल पावर स्टेशन के बाकी के वीडियो देख सकते हो। दोस्तों तो आज हम यहाँ पे बात करें तो गैस हैंडलिंग यानी कि जब यहाँ पे बॉयलर में हम बात करें, यहाँ पे बात करता हूँ गैस हैंडलिंग का, तो गैस हैंडलिंग एक यहाँ पे फ्यूल की जगह पे हम यहाँ पे गैस का यूज लेने वाले हैं, जैसे कि हम बॉयलर में यहाँ पे गैस की मदद से यहाँ पे बॉयलर को चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे एक साइकिल पूरी बनती है, उसका नाम है यहाँ पे गैस हैंडलिंग। तो इसको किस तरह से हम मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह से क्या इसका मेंटेनेंस वगैरह क्या देखेंगे, सब कुछ इसके अंदर बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो गैस हैंडलिंग, तो इसकी डायग्राम के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो गैस एक ऐसी चीज है जिसका कद सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ताकि उसको होता है, लेकिन उसको संभालना इतना ही मुश्किल होता है। इस वजह से इसको डायरेक्टली हम बड़े टैंक बना नहीं सकते हैं, इसके लिए काफी बड़े टैंक चाहिए और काफी मात्रा में चाहिए, तब वो ये गैस है वो यहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, जो प्लांट होता है ना उसके पास में ही एक गैस प्लांट होता है, तो वहां से पाइपलाइन के थ्रू इसको लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो गैस पाइपलाइन है, उसके थ्रू यहाँ पे गैस को इन किया जाता, मतलब उसकी आयात की जाती है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो उसको डायरेक्टली गैस पाइपलाइन के थ्रू उसको मीटरिंग हाउस में भेजा जाता है। अब मीटरिंग हाउस क्या करता है, तो कितना गैस आया क्या है, क्योंकि उसका बिलिंग पेमेंट वगैरह सब देखना पड़ता है, तो मीटरिंग हाउस के थ्रू उसका मेजरमेंट होता है, कितना गैस आया क्या है, प्रेशर क्या वगैरह सब काफी सारी चीजें होती है जो मीटरिंग हाउस के अंदर होती है, सेफ्टी होती है, क्या मात्रा है, कौन सी है, क्या है, सब उसकी एनालिसिस वगैरह वहां पे होती रहती है। तो मीटरिंग हाउस में डायरेक्टली गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस डायरेक्ट पहले मीटरिंग हाउस में आएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे मीटरिंग हाउस से उसी गैस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में भेजा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल यानी कि वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है जो मीटरिंग हाउस से वहां से डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जाता है, वो होता है यहाँ पे काम करता है अलग अलग प्लांट को अलग अलग जगह पे डिवाइड करना। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एक सिंगल डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट यहाँ पे आगे वाल में चला जाएगा। वाल क्या होता है, उसको ओपन और क्लोज, मतलब मान लो कि इसका कभी आगे वाले पार्ट को मेंटेनेंस में लेना है तो यहाँ पे वाल से आप इसको क्लोज कर सकते हो ताकि आगे गैस ना जा पाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डायरेक्ट एक वहां पे वाल होता है, इमरजेंसी वाल भी रख सकते हो आप, प्लांट शट डाउन करना है क्या वगैरह वहां पे रख सकते हो, तो उस पाइप को वहां से आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये वाल वहां पे यूज में लिया जाता है, कितनी मात्रा में गैस जाने देना है क्या है वगैरह सब कंट्रोलिंग इसके अंदर होती है वाल के अंदर। दोस्तों आगे बात करूं तो वही वाल के थ्रू आगे एक वापस मीटर लगाया होता है, वो मीटर होता है ये मीटरिंग हाउस मेन पाइप के लिए, लेकिन ये मीटर होता है पर्टिकुलर उसी लाइन में जो गैस जा रही है उसी का, यानी कि इस प्लांट के लिए हमने कितना गैसेस यहाँ पे यूज लिया फ्यूल की जगह पे वगैरह काफी सारी चीजें वहां पे होती है, कितनी प्रेशर से उसको जाना देना क्या वगैरह सब इस मीटर हाउस में होता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बर्नर के पास चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो वाल हमने ओपन किया, वाल ओपन करते तो ये मीटर हाउस में जाएगा, वहां पे मेजर होगा और वहां पे गैस डायरेक्टली आगे चला जाता होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो गैस है ना वो डायरेक्ट बर्नर में जाता है। बर्नर में क्या होता है, ये गैस बर्नर में जाने के बाद यहाँ पे आगे बॉयलर के पास वो चलाने को काम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे वो बॉयलर में चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह का ये सिंपल सा डायग्राम है, गैस पाइपलाइन से वो मीटर हाउस में जाएगा, मीटरिंग हाउस से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से वाल में जाएगा, वाल से वहां से कंट्रोल हो सकता है, उसके बाद जाएगा वो मीटर के पास, मीटर में वो मेजर होगा क्या है वगैरह उसके फंडामेंटल, उसके बाद बर्नर में वो बर्न होगा और आगे बॉयलर के पास वो जाएगा, मतलब वो बर्नर है वो बॉयलर के नीचे ही होगा तो वहां पे वो कनेक्ट होगा। दोस्तों तो ये सिंपल सा डायग्राम था। मान लो कि आगे और बात करूं यहाँ पे आपको, तो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरह से काम करेगा, ये तो एक सिंगल लाइन थी वाल वगैरह, तो सेम टू सेम दोस्तों वापस दूसरा वाल ले लो। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है वहां से डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कि ये यहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे जाएगा, तो वहां काफी सारी एक बड़ी सी पाइप होती है मेन पैनल, उसमें से ये सब पाइप से निकाला जाता है, जितना चाहिए आप वहां से उस वाल को ओपन क्लोज करके वहां से उसको आगे वाले प्लांट में भेज सकते हो। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे टू अदर बॉयलर,
तो अपना काफी सारे ऐसे बॉयलर होते हैं, तो उस बॉयलर में आप देख सकते हो, वहां पे लगा सकते हो। मान लो कि तीसरा भी लगाना है तो आप वहां से अदर बॉयलर में इसको भेज सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा गैस हैंडलिंग प्लांट था, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। गैस हैंडलिंग है वो बात करूं यहाँ पे तो दोस्तों ज्यादातर गैस हैंडलिंग है वो कम यूज में लिया जाता है, लेकिन जहां पे गैस प्लांट है, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है गैस की, तो प्रोडक्शन इस जगह पे रखी जाती है कि वहां पे नियर अबाउट हम उसको यूज में ले सके और पाइप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे गैस को स्टोरेज करना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी टैंकी चाहिए। तो उसकी जगह पे सेम सेम टू सेम वहां पे लैंड की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, तो ये काफी मुश्किल होता है। इसलिए इसको डायरेक्टली पाइप के थ्रू डायरेक्ट इसको लिया जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल सा डायग्राम था दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अंदाज हार्दिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। उसके अंदर आपको वाल्व क्या है, मीटरिंग मैकेनिज्म किस तरह से होता है, क्या है वगैरह डिटेल्स चाहिए तो आप देख सकते हो। सेम टू सेम वीडियो दोस्तों, यही वीडियो आपको गुजराती लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसको जाके गुजराती लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।